गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट बी फाइन एट होम स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एग्जामिनेशन टाइम स्टूडेंट्स वी ऑल अफ्रेड ऑफ एग्जामिनेशन डरते हैं ना हम लोग जब भी एग्जाम का टाइम होता है तो हमारे पेट में बटरफ्लाइज ऐसा लगता है कि बटरफ्लाइज घूम रही हैं चाहे हमें सब कुछ आता हो लेकिन फिर भी हमें फ़ील होता है कि अरे पता नहीं ये आ पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि नहीं तो वी विल स्टडी सेम केसेस इन दिस चैप्टर यहाँ पर भी आपके जैसे ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो एग्ज़ामिनेशन टाइम में अपने इमोशंस को किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं किस तरह से फील कर रहे हैं तो ये सब बताया गया है ओके लेट्स बिगिन इन अप्रैल जस्ट टू वीक्स बिफोर द एग्जामिनेशन स्वामीनाथन लाइज दैट हीज़ फॉदर वॉज चेंजिंग आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं एग्ज़ाम के टाइम पर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है सब सबका हो जाता है वो क्यों होता है क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो वरीड होते हैं कि पता नहीं कि बच्चा पास हो पाएगा कि नहीं ये तो खेल ही रहा है ये तो पूरा दिन ही खेलता रहता है पूरे दिन मस्ती के मूड में रहता है तो पता नहीं अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं तो ये जो बच्चा है स्वामीनाथन इसके साथ भी ऐसे ही है इसको पापा बोलते रहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो और अगर वो अपनी नानी के साथ घूम रहा है तो वो बोलता है कि नहीं नानी तो घर पर रहने वाली है तो एग्ज़ाम तो अभी जब होंगे उसी तभी होंगे ना तो तुम्हें क्या करना चाहिए अभी अपने एग्जामिनेशन पे ध्यान देना चाहिए अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए जो कि अभी आने वाले हैं सिर्फ़ टू वीक्स रह गए हैं यू मस्ट स्टडी और ये क्या तुम अपनी मम्मा के पीछे पीछे घूमते रहते हो मम्मा के पीछे तो तुम बाद में भी घूम सकती हो ना सो कंसनट्रेट ऑन योर स्टडी ओके देन स्वामीनाथन आस्ट इज फादर पापा वाई आर यू सो नर्वस अबाउट माई एग्जामिनेशन कि आपको क्यों इतनी चिंता हो रही है मेरे एग्जामिनेशन के बारे में तो पापा उसको बोलते हैं कि अच्छा बेटा अगर तुम फेल हो जाते हो ओके okay, तुम फेल हो जाते हो तुम्हारे जो सारे फ्रेंड्स हैं वो पास हो गए क्योंकि तुम तो पढ़ते ही नहीं हो ऐसे लगता है ना हमारे पेरेंट्स को कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं और हम तो बस फेल ही हो जाएंगे पता नहीं अच्छे मार्क्स आ पाएंगे कि नहीं और जो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स होंगे वो तो अपीयर कर गए एग्ज़ाम वो तो नेक्स्ट क्लास में चले गए तो तुम्हारा क्या होगा तुम्हें कैसा फील होगा ओके एंड यू कैन डू एनी थिंग आफ्टर एग्जाम कि जैसे तुम्हारा एग्जाम ख़त्म होता है डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू कि जो करना है वो करो बट अपने जो स्टडी है उस पर तो कंसनट्रेट करो ओके okay? तो यहाँ पर ही यह अभी यहाँ पर ये यह सीन आ जाता है ये स्कूल का सीन है एट स्कूल एवरीबडी सीम टू बी ओवर हैम बच्चे क्या होता है meaning? Meaning होते हैं इसका मीनिंग ओवर हेम का मीनिंग होते हैं जो हमारे इमोशंस होते हैं चाहे वो हैप्पीनेस की हों या सैडनेस की हों कि वी कॉन्ट कंट्रोल अवर इमोशंस जैसे मैंने आपको बताया है कि एग्जाम के टाइम में सबके साथ ही ऐसा होता है ठीक है तो यहाँ पे देखो बच्चों के बारे में बताया कि उनको कैसा कैसा फील हो रहा है इट वॉज़ वीक सीन्स एनी बडी अ स्माइल ऑन शंकर फेस यहाँ पे एक शंकर नाम का बच्चा है तो जैसे बच्चे पहले खुश रहते हैं लेकिन अब जो शंकर है उसके फेस से स्माइल हट चुके इट मीन्स वो नर्वस है ओके सोमू हैड बिकम ब्रिस्क ब्रिस्क क्यों होता है स्पीड बढ़ जाना तेजी से करना कुछ भी ओके स्पीडली And business like, rajam came to the school at the stroke of the first bell. अभी जो rajam बच्चा है जैसे ही first bell होती है ye school पहुंच जाता है okay? और जब लास्ट bell होती है कि तब जाता है क्यों क्योंकि स्टडी करनी है ओके सो ऐसा भी रेफ्रेंस है कि बच्चे वापस में बात नहीं कर रहे हैं ओके okay. यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम होता है मनी मनी वॉज वर्स टू एनी बडी मनी वॉज बिगनिंग टू लुक वर्ड एंड लुक सॉरी टुक एवरी अपॉर्चुनिटी टू टेक शंकर असाइड एंड हैव हीज डाउट क्लियर ठीक है तो मनी क्या करता है शंकर की हेल्प लेता है अब हम भी ऐसा करते हैं ना वी टेक हेल्प फ्रॉम आवर फ्रेंड्स कि भाई मुझे तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सो प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम करते हैं ना ऐसा तो बने भी ऐसा कर रहे हैं ओके एंड देर वॉज ए जनरल बिलीफ इन द स्कूल दैट द क्लर्क वॉज ओमनीशेंट मीन्स जो क्लर्क है ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन ही नोज एवरी थिंग अबाउट एग्जाम पेपर ऐसा लगता है ना कि ये जो क्लैरिकल डिपार्टमेंट होता है कि भाई वहीं पर तो सारे पेपर रखे होते हैं वहीं से तो जिस दिन पेपर होते हैं वहीं से तो सारे पेपर आते हैं तो इट मीन्स जो क्लर्क होता है वो उसको तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर वो तो जानता होगा और उसको तो सारे क्वेश्चन पेपर आते होंगे तो मनी के माइंड में ये इम्प्रेशन है तो मनी एक प्लान करता है देखो छोटा सा बच्चा और देखो कैसा प्लान करता है वो वो करता क्या है बेटा एक दिन वो जाता है अपने क्लर्क के घर जो स्कूल में क्लर्क है तो उनके घर जाता है और उनको बोलता है कि देखो मैं आपके लिए ब्रिंजल लेकर आया हूँ कितने फ्रेश ब्रिंजल है ये देखो मैं आपके लिए लेके कर आऊँ क्यों लेकर आया, ले आया वो देखो इज अ स्मार्ट बॉय कि कितना क्लेवर है ये बॉय कितने देखो मैं आपके लिए ब्रिंजल कितना छोटा सा बच्चा कैसे कर रहा है कि मैं ब्रिंजल लेके आया हूँ और आप इसको रख लीजिए तो क्लर्क भी अभी नॉर्मल है उसे कुछ नहीं पता कि वाई डिड ही केम टू मीट हिम तो वो रख लेते हैं अपने ब्रिंजल अपने पास और वहाँ पर उसके पास एक कैट है जो क्लर्क है उसके पास एक कैट है और वो कैट के साथ लगा हुआ है बातें करने करते हैं ना हम जो हमारे है से बातें करते हैं और हमें लगता है कि देखो वो जैसे हम बात कर रहे हैं उसी एक्सप्रेशन में वो रिवर्ट करता है तो वहाँ पर होती है बच्चे एक फ्लाई होती है जो उनके आसपास घूम रही होती है तो जो क्लर्क होता है वो बोलता है मनी को कि देखो ये जो फ्लाई है ना ये आसपास घूम रही है और उसे बच के रहना होता है क्यों क्योंकि अगर ये हमारे आंखों के पास टच कर जाए या इसके पास टच कर जाए या पास से निकल जाए तो हमारी सोलनाइज हो सकती है और फिर उसके लिए रेमेडी भी बताता है कि इफ समटाइम्स इट हैपन्स तो वट शुड वी डू वी शुड अप्लाई अनियन जूस ओके लेकिन ये जो मनी है आपको पता है ये क्यों आया मनी यस yes. मनी तो क्वेश्चन पेपर्स के बारे में जानने के लिए आया है यहाँ पर वो तो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि क्या बोल रहे हैं ओके okay? सो मनी स्टार्ट टॉकिंग इन डिप्लोमेटिक वे है ना ही स्टार्ट टॉकिंग वेरी स्मार्टली वो बोलता है क्लर्क को कि हाँ मेरी तो सवाल ना ही हो जाएंगी और फिर अभी एग्जाम भी आने वाले हैं तो मैं एग्ज़ाम कैसे दे पाऊँगा ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सो ही प्रिटेंड कि देखो वो तो प्रॉब्लम में है उसको लगता है कि चलो मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा देन क्लर्क अंकल विल हेल्प मी ओके एंड जो क्लर्क अंकल हैं तो उनको अभी उनकी बात समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कह रहा है मींस वो डबल मीनिंग में बात कर रहा है वो डिप्लोमेसी में बात कर रहा है जो बच्चा है ये मनी कि हमें तो सोलनाइज हो जाएंगी मैं कैसे पढ़ पाऊँगा तो वो कहते हैं कि अच्छा इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए अगर तुम्हें अपनी आइज़ को जल्दी ठीक करना होगा तो तुम्हें एक बड़ा अनियन लेना होगा बड़ा जूसी बिग अनियन तुम लेना उसे तुम ठीक हो जाएगा देन मनी रियलाइज कि नहीं ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है तो वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि सर आ, क्या आप मुझे क्वेश्चन पेपर बता सकते हो डायरेक्टली पूछ लेता है तो क्लर्क सुनता है उसकी बात तो कहता है भाई मेरे पास तो ऐसे एग्ज़ाम जो ये क्वेश्चन पेपर्स होते हैं तो इसके बारे में मुझे तो कोई नॉलेज होती नहीं है लेकिन हाँ आई कैन गिव यू टिप्स हाउ टू क्लियर पेपर तो कहता अच्छा अच्छा तो क्यूरियस हो जाता है ओके okay, तो मनी पूछते कि हाँ जी टेल मी तो बोलता है कि यू हैव टू स्टडी ऑल द क्वेश्चन ऑल द सिलेबस सो यू कैन क्लियर पेपर तो कहते नहीं वो तो मैं पढ़ रहा हूँ बट जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि इट इज़ हार्ड टू कंप्लीटेड इन गिवन टाइम कि भाई बहुत मुश्किल होने वाली है नहीं हो पाएगा तो कहता है कि चलो आप, आप मुझे हिंट ही दे दीजिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं ना जस्ट उनकी हिंट दे दीजिए ताकि मेरा पेपर ना अच्छे से हो जाए है ना बिकॉज आई मीन प्रॉब्लम सो वट डिड क्लर्क से क्लर्क बोलते हैं कि तुम ऐसा करो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यू मस्ट स्टडी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुम पढ़ लो और तो इससे तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा वो बोलते हैं फिर उसको थोड़ा और गाइडेंस देते हैं कि तुम अरेथमेटिक पढ़ लो ओके okay? तो जोग्राफ़ी हिस्ट्री साइंस तुम ये सब पढ़ लो एक बार अच्छे से और अपना टाइम डिवाइड करके इनको जब तुम स्टडी करोगे तो तुम्हें अच्छे से ऑल थिंग्स विल बी क्लियर तो मनी को थोड़ा क्लियर होने लग जाता है कि यस अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूँगा सो इट्स नॉट अ हार्ड जॉब टू कम्प्लीट दिस सिलेबस तो वो कहता है कि हाँ ये तो आपने बड़ी अच्छी सलाह दी तो वो कहता है लास्ट में वो जाने लगता है वो कहते हैं ठीक है अभी मेरे को आपकी बात समझ आ गई है कि मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए ओके और फिर वो कहता है कि हाँ मन में सोचता है कि चलो ये जो मैं फोर आना का ईद बेटा जो ये ये करेंसी है आना जैसे हम अब हमारा हम लोग रुपीज़ में बात करते हैं तो ये जो बच्चे स्टोरी है ये आर के नारायण जी ने लिखी थी और ये बहुत पुरानी स्टोरी है जब जो करेंसी थी वो आना होती थी ओके तो कहता कि हाँ ये जो मैंने फोर आना का जो ब्रिंजल दिया ना तो ये वेस्ट नहीं गया देखो उन्होंने मुझे कितनी अच्छी बात बताई है सो so, बच्चे व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर तो कितना सिंपल है क्या क्लर्क ने उसको पेपर बताया नहीं क्या क्लर्क ने उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए नहीं क्लर्क ने उसको क्या बताया जो क्लर्क था ही गेव हिम गाइडेंस रियल गाइडेंस हाउ टू क्रैक एग्जाम हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड ही ऑल्सो मोटिवेटेड ही सो वट शुड वी डू वी शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम आवर एल्डर्स ओके आवर पेरेंट्स आवर टीचर्स हमें शॉर्ट जो मेथड होते हैं वो नहीं ट्राई करने चाहिए कि नहीं नहीं कोई पेपर बता दे नहीं मेरा फ्रेंड मेरे फ्रेंड का रोल नंबर मुझसे आ गया है तो वो मेरी हेल्प कर देगा पेपर में ऐसा नहीं हमें इस तरह से डिपेंड नहीं रहना चाहिए हमें अपनी जो टॉपिक्स होते हैं उनको थोरोली पढ़ना चाहिए ओके तो सेम एज मनी के साथ हुआ <coughs> सॉरी तो उसको जैसी गाइडेंस मिली तो उसको लगा कि नहीं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है बिकॉज नाउ ही अटेन गुड गाइडेंस है ना एज ही अटेन गुड गाइडेंस तो उसको सब कुछ ईजी लग लगने लगा सो so स्टूडेंट्स You must try hard for your exam, and we should not depend on anybody to crack our exam. Okay? Bye. Take care. Stay home. Stay safe.